अरे सुनिए तो सही, बाहुबली मूवी की शूटिंग देखने नहीं चलना है क्या? अरे चलोगे ना तो चलिए फिर, आज आपको खरगोन जिले घुमाते हैं। कौन सा जिला? खरगोन जिला। तो दोस्तों आज हम खरगोन जिला के बारे में बात करने वाले हैं। खरगोन जिले से संबंधित जो भी डाटा है उसे आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में कौन सा जिला पढ़ा था? अरे बताइए बताइए। अरे कोई सा तो होगा, अरे हमें तो याद भी नहीं आ रहा। अरे खंडवा था मेरे भाई। तो पिछली क्लास में हमने खंडवा जिला पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं खरगोन जिला। तो खरगोन जिले से संबंधित जो भी डाटा है उसे हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले खरगोन जिले को हम मैप में देखेंगे, उसके अलावा इससे संबंधित जो भी डाटा है उसे आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले खरगोन जिले की हम मैप के माध्यम से लोकेशन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा मध्य प्रदेश का मैप हो जाता है, और मैप में जैसा कि सबसे पहले दिशा देख लेते हैं भाई। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इस पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जब हमारे खरगोन जिले की बात की जाती है तो खरगोन कहाँ हो जाता है? यहाँ पे, मतलब खरगोन जिला मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम जिला है। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम जिला है। अब इस जिले को मध्य प्रदेश के कौन से अन्य जिले स्पर्श करते हैं उसे देखते हैं, उसके अलावा कौन सा राज्य स्पर्श करता है उसे देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम देख पा रहे हैं तो यह हमारा खरगोन जिला हो जाता है, और इस खरगोन जिले को देखिए, धार, इंदौर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी, देखिए कितने सारे जो जिले हैं उसको स्पर्श कर पा रहे हैं कि आपका एक तो बड़वानी हो गया, एक धार हो गया, इंदौर हो गया, देवास हो गया, खंडवा हो गया और बुरहानपुर हो गया। इसके अलावा हमारा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी इसको स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार खरगोन जिले को हमने मैप के माध्यम से देखा है। अब दोस्तों आपको एक बात बताना है कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। अब वो क्या कन्फ्यूज करने के लिए एक तो आपको देता है बैतूल, एक देता है बुरहानपुर, और उसके अलावा ये खरगोन भी देता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो बुरहानपुर जिला है वो सबसे दक्षिणी जिला है, ना कि खरगोन और बैतूल। तो इस तरह जो कन्फ्यूज करने वाली बातें हैं उनको हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे हमने जब अलीराजपुर जिले को देखा था तो अलीराजपुर जिले के बारे में हमने देखा था कि सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर हो गया था, और सबसे दक्षिणी जिला हमारा बुरहानपुर है। तो जो खरगोन जिला है वो दक्षिणी जिले के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है? या फिर जैसे दक्षिण जिला तो है या फिर दक्षिण पश्चिमी जिला तो है, लेकिन सबसे दक्षिणी जिला में नहीं आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने मैप के माध्यम से देखा है। अब खरगोन जिले से संबंधित कुछ अन्य बातें हैं उन्हें हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो 1 नवंबर 1956 को, देखो डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, हमने पिछली क्लास में पूर्वी निमाड़ की बात की थी, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि पूर्वी निमाड़ किस जिले को कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 में पश्चिमी निमाड़ के रूप में अस्तित्व में आया। क्या अस्तित्व में आया? जो खरगोन जिला है वो पश्चिमी निमाड़ के रूप में 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। इसी तरह खरगोन से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट है कि जो खरगोन जिला है इसका विभाजन किया जाता है। विभाजन कब किया जाता है? 25 मई 1998 को इसका विभाजन करके बड़वानी जिले का निर्माण किया जाता है। अब थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं, यहाँ हमारा खरगोन जिला हो जाता है। इस खरगोन जिले का देखो, पहले खरगोन की लोकेशन ऐसे रहा करती थी, कैसी? थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ये यहाँ पे ऐसे रहा करती थी खरगोन जिले की लोकेशन, लेकिन जब 25 मई 1998 को खरगोन का विभाजन करके बड़वानी जिला बनाया गया तो इसका मैप अब ऐसा हो गया। तो कौन सा जिला नया बना था इससे? बड़वानी को। कब बना था? 25 मई 1998 को। तो डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब खरगोन जिले का अगर जनघनत्व की बात की जाए तो जनघनत्व यहाँ का 233 है। जनघनत्व कितना है? 233। इसके पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि जनघनत्व कहते किसे। देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। इसी तरह अगला आता है लिंगानुपात।
तो लिंगानुपात यहाँ का 965 है। देखिए ये जो जनघनत्व है, लिंगानुपात है, साक्षरता है, ये क्या फैक्चुअल डाटा है और व्यापम अधिकतर फैक्चुअल डाटा को ही कवर करने की कोशिश करती है, तो हमें भी उसी फैक्चुअल को ही कवर करना है। तो यहाँ का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 965 हो जाएगा। अब लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रति 1,000 पुरुषों पर या फिर मेल पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ की साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता यहाँ की हो जाती है 62%, ये साक्षरता हो जाएगी। अब खरगोन जिले की जो तहसीलें हैं उनको अगर देखा जाए तो खरगोन जिले में हो जाती है, खरगोन भी एक खुद तहसील हो जाएगा, उसके बाद भगवानपुरा, सेगांव, ये सेगांव ऐसा है सेगांव, उसके बाद अगली आती है भिकनगांव, झिरनिया, महेश्वर, बड़वा, कसरावद, गोगांव और सनावद। देखिए ये वही महेश्वर है जहाँ पे जो बाहुबली मूवी थी उससे संबंधित कुछ जो स्टोरी है वो यहाँ से ली गई है, ये वही महेश्वर है। इसके अलावा खरगोन जिला उसी मूवी से संबंधित है पूरा, क्योंकि ये जो मूवी बनी है वो जो है वंश था उसी के आधार पे बनी हुई है। अब ये तो हमने खरगोन जिले की तहसीलें देखी। दोस्तों इसके पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात यार ना भाई, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दो यार, अगर थोड़ा सा अगर आप लाइक कर दोगे तो आपके लिए अच्छा वीडियो लेके आएंगे ना हम भाई, है ना। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सिंचाई परियोजना। देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा हंसी मजाक चलता रहे तो शायद पढ़ाई में मन थोड़ा ज़्यादा लगता है, वैसे अदरवाइज क्या थोड़ा रूड रूड होता है ना भाई। अब देखिए यहाँ की सिंचाई परियोजना देखते हैं। तो सिंचाई परियोजना की बात की जाए, देखिए हमने सिंचाई परियोजना की बात की है तो इसके पहले हमें चीज़ों को लिंक करना है कि यहाँ पे नदियाँ कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे एक तो नर्मदा नदी मुख्य हो जाती है, इसके अलावा दो अन्य नदियाँ भी है, कुंदा और वेदा, दो नदियाँ और हो जाएगी। तो नदियों से क्वेश्चन अगर आता है खरगोन जिले से तो हम बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, नर्मदा, कुंदा और वेदा, ये यहाँ की नदियाँ हो जाएगी। अब खरगोन जिले में जो परियोजना है या फिर सिंचाई की जो परियोजना है उनकी अगर बात की जाए तो यह है देजला देवदा, ये देजला लिखा जब बल्कि यह है देजला देवदा, गढ़ी कलतार, अबकन्ना और वेदा। देखिए ये यहाँ की सिंचाई परियोजना है, थोड़ी सी टफ लग रही है लेकिन हमको एग्ज़ाम निकालना है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा, तो हम इसको छोड़ तो सकते नहीं, तो हमको परियोजना को भी थोड़ा देखना है। तो देजला देवदा, गढ़ी गलतार, अबकन्ना और वेदा यहाँ की सिंचाई परियोजना हो जाएगी। अब देखिए अब जो क्वेश्चन आया है वो है प्रमुख स्थल से। हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि अधिकतर एग्जाम में प्रमुख स्थल, धार्मिक स्थल, प्रमुख संस्थान, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चनों को हमें बड़े ध्यान से देखना है। तो प्रमुख स्थल में अगर बात की जाती है तो अहिल्या संग्रहालय, पेशवा घाट, जो बाजीराव पेशवा थे वो यहीं से संबंधित थे, पेशवा घाट हो जाएगा। उसके बाद होलकर वंश की समाधियाँ, राजेश्वर मंदिर और सहस्त्रधारा। अब आपने कमेंट के माध्यम से बताना है कि ये जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है यहाँ कौन सी नदी पर बना हुआ है, ठीक है, कौन सी नदी पर बना है ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। दोस्तों ये जो हमारी एमपी जीके के जिले वाली सीरीज चल रही है, इसके अलावा हमने एमपी का जो टॉपिक वाइज है उसको भी कवर करा दिया है। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको एमपी कांस्टेबल, एमपी जेल प्रहरी से संबंधित जो क्वेश्चन पेपर है या फिर जो प्रोफेसर के पेपर है उनको भी सोल्व कराए जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो धार्मिक स्थल में देखिए प्राचीन नवग्रह मंदिर, बंदेश्वर मंदिर, पावागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर। देखिए ये जो पावागिरी का जो जैन मंदिर है यह एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो यह इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए हमने प्रमुख स्थल देखे, धार्मिक स्थल देखे, अब हम देखने वाले हैं कि जो खरगोन जिला है यहाँ पे और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहला हमारे लिए आता है कि नीम खली संयंत्र। देखिए नीम की जो खली होती है उसका संयंत्र आपको यहाँ मिलने वाला है।
इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा, कि देश का पहला मोबाइल बैंक। देखिए यहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि इंडिया का है, देश का पहला मोबाइल बैंक यहाँ पर स्थापित किया गया है। यह एक सरकारी बैंक है तथा एक महिला नागरिक द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देश की दूसरी सबसे बड़ी मिर्ची मंडी, ये भी पूरे देश की बात की जा रही है, कहाँ पे, खरगोन में। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि देश की जो पहली मिर्ची मंडी है वो कहाँ पर है, तो इन चीज़ों का आप जवाब कमेंट के माध्यम से देने वाले हैं। आगे देखिए, कपास अनुसंधान केंद्र। देखिए हमने देखा था कि खंडवा और खरगोन ये दो जिले ऐसे हैं, इनको सुनहरा जिला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुनहरा जिला। तो सुनहरा जिला कहा जाने का कारण क्या था कि यहाँ पे कपास का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, मतलब या फिर मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहीं पे होता है, तो यहीं पे होता है, तो इसलिए कपास अनुसंधान केंद्र भी आपको यहाँ मिलने वाला है। इसके अलावा मूंगफली के उत्पादन में है प्रथम स्थान पे है, कौन, खरगोन, मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे हो जाएगा। अगला आता है, देखिए खरगोन में एक जगह है ऊन, ये क्या है, खरगोन में एक जगह है ऊन, इसको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक की सूची में शामिल किया है, ठीक है, तो यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए, आपने चंदेरी की जो साड़ी है उनका नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन खरगोन भी प्रसिद्ध है किसके लिए, महेश्वरी की साड़ी के लिए, तो महेश्वरी की साड़ी अगर आपको कहीं पर मिलने वाली है तो वो कहाँ मिलने वाली है, खरगोन में। इन ये जो साड़ियाँ रहती है इनमें पशु पक्षी पेड़ और अन्य जो वहाँ की जो प्राकृतिक संस्कृति थी उससे संबंधित जो चित्र है वो साड़ियों के ऊपर बनाए जाते हैं, जो कि इन्हें बहुत रोचक और आकर्षित बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेशवा जो बाजीराव थे, जो पेशवा बाजीराव थे उनकी समाधि भी यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अब आता है, हमने जो सबसे पहले बात की थी बाहुबली के बारे में, तो खरगोन का, ये गलत है यहाँ पे, खरगोन का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, महिष्मती, क्या है, महिष्मती। और हम जब बाहुबली मूवी देखते हैं तो वहाँ पे बहुत बार इस शब्द का प्रयोग होता है, किस शब्द का, महिष्मती का, तो वो क्या है कि जो खरगोन है उसका प्राचीन नाम महिष्मती था। यहाँ अहिल्याबाई की राजधानी रहा है, यहाँ पर देवी अहिल्या व हेहय वंश, देखिए दो वंश थे, देवी अहिल्या का कौन सा वंश था, होलकर वंश था, और ये जो कौन सा वंश है, हेहय वंश, इनने यहाँ पे शासन किया है। आगे अगर देखें, यहाँ पे जो नवादा टोली है, नवादा टोली के में क्या हुआ था कि उत्खनन कराया, और वहाँ पे उत्खनन कराने के पश्चात वहाँ पे अनाज के अवशेष प्राप्त हुए, और वो जो अनाज थे वो कौन कौन से थे, गेहूँ, चना, मटर, मसूर आदि के जो अवशेष है। इसके अलावा तांबे और कांसे के सिक्के, चमकीले लाल मृदभांड, देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमकीले लाल मृदभांड मिले, चमकीले काले मृदभांड मिले, या फिर धूसर मृदभांड मिले, तो इस तरह के क्वेश्चन हमको कन्फ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से ढले हुए सिक्के भी मिले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों खरगोन जिले से संबंधित जो भी डाटा था वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।